हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारी फर्स्ट वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जब अपना देश इस संकट के दौर से गुजर रहा है, जब पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, उसमें आपकी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए या आपको पढ़ाई से कनेक्टेड रखने के लिए, ताकि आप मेंटल स्टडी पर कंटिन्यू फोकस करें, तो विनायक स्कूल ने एफर्ट्स किया है जिसमें बच्चे स्टडी से जुड़े हैं। तो उसी प्रयास में आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आपने पहले भी क्लास में लर्न किया है पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर, जिसमें एक नए साझेदार का प्रवेश और अनुपात परिवर्तन का विषय समझाया गया था। इस चैप्टर में छह कंटेंट्स थे टॉपिक चैप्टर में पूरे, जो आपको अलग अलग पॉइंट्स के क्या किए गए थे, लर्न करवाए गए थे, जिसके अंदर था अनुपात परिवर्तन, जब भी कोई नया साझेदार आएगा तो पुराने साझेदारों के और नए साझेदारों के नए लाभ हानि अनुपात क्या किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाभ हानि का बंटवारा सदैव अनुपात में किया जाएगा साझेदारी संघ के अनुसार, और उसके लिए हमें साझेदारों के नए अनुपात क्या करने होंगे ज्ञात करने होंगे। नए अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक बात माइंड में रखेंगे कि नया अनुपात निकालने के अलग अलग परिस्थिति, हर परिस्थिति में अनुपात की गणना एक अलग तरीके से की जाएगी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी साधारण फर्म में साधारण के लिए अनुपात निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो टोटल फर्म शेयर विल बी वन, हमेशा फर्म का कुल हिस्सा एक रुपए या एक के बराबर माना जाएगा, जिसे सभी साधारण में विभाजित किया जाता है। इसी एक के जब टुकड़े होंगे तो सभी साधारण क्या रहते हैं, लाभ हानि के अनुपात बनेंगे। अगर ए और बी दो साझेदार हैं तो इसके एक या टुकड़े, अगर ए बी सी तीन है तो इसके तीन टुकड़े कर दे, बी है तो चार टुकड़े कर दे, तो ये चार टुकड़े किसके अनुसार किए जाएंगे, ये साझेदारी संघ के अनुसार किए जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि फर्म में कुल हिस्सा एक के बराबर है, जिसे सभी साझेदारों में निर्धारित तरीके से या साझेदारी संघ में बताई गई तरीके से क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। अब इस नए अनुपात को निकालने की परिस्थितियां भी थी, आपको पांच परिस्थितियां बताई गई थी, पांच परिस्थितियां नोट करवाई गई थी, उन सभी के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए गए थे। उसको अपन दोबारा एक बार लर्न करेंगे, देखेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या थी। कंडीशन नंबर फर्स्ट थी जब आपके न्यूमेरिकल में जो आपकी गिवन प्रॉब्लम है उसमें आपके ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया है, ए एंड बी टू पार्टनर्स, उनका रेशियो है 3:2, और जो न्यू पार्टनर है सी उसका शेयर है 1/3। हमने सी को 1/3 पार्ट करके फॉर्म में क्या लिया है, रिकग्निशन दिया है। अभी आपकी प्रॉब्लम है कि ए और बी दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि का अनुपात 3:2 है, और नए साझेदार को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है। इस परिस्थिति में लाभ हानि अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाएगी, साधारण का लाभ हानि अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। सबसे पहले वही बात, फर्म का कुल हिस्सा कितने के बराबर है, एक के बराबर है। पहले एक को ए बी तीन दो में बांट रहे थे, अब वही एक इन तीनों में डिवाइड होगा। इन तीनों में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस शेयर क्या बचेगा आफ्टर सी शेयर, सी को 1/3 देने के बाद क्या बचता है। तो कुल हिस्सा कितना है, एक, जिसमें से सी को कितना लिया 1/3। अगर एक में से 1/3 सी को दे दिया तो शेष बचेगा 2/3, जिसे अब ए और बी में क्या करना है, विभाजित करना है। अब इस 2/3 को ए और बी कैसे विभाजित करेंगे, या तो इसके लिए कोई नया अनुपात आपके प्रश्न में दिया है, आपके मेथड में दिया है, आपके बैलेंस पार्ट में डिवाइड इन फॉलोइंग रेशियो। अगर आपके मेथड में नहीं बताया जाए कि शेष को कैसे बांटना है, कैसे विभाजित करना है, तो आप इस शेष को पुराने साधारण के पुराने अनुपात में विभाजित करें,
करेंगे बिना किसी सूचना के, सूचना के अभाव में, जब तक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस बैलेंस को उनके कोऑर्डिनेशन में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देन में अब इस 2/3 को 3/2 में अगेन क्या करना है डिवाइड करना है, और इस 2/3 को 3/2 में डिवाइड करें। देन एज न्यू शेयर ए का लिया, इसका क्या बचे हुए 2/3 का 3/5 इन बीज न्यू शेयर इक्वल टू 2/3 इनटू 2/5 2/3 का 3/5 मिलेगा ए को, उसी 2/3 का 2/5 किसको मिलेगा बी को मिलेगा। तो ए का हिस्सा बन गया 6/15, बी का बन गया 4/15, बचा कौन सी सी का, तो आपको न्यूमेरिकल में दिया है सी का हिस्सा है 1/3। बट रेशियो निकालने के लिए इन सब के हर क्या करने पड़ेंगे, कैंसिल करने पड़ेंगे, हर कैंसिल करने के लिए इन दो के तो 15 है, आप इसका भी 15 बना दें, 15 बनाने के लिए सिर्फ 5 से काट लेगा मल्टीप्लाई के लिए ना, यानी 15 कैंसिल देन न्यू रेशियो विल बी 6, 4, and 5 ए बी और सी का मेरा नाम निकाल क्या मिलेगा 6, 5, 4, 5 दोबारा देखें ए बी दो सवाल आ रहे हैं, उनका नाम में बात है कि इन दो सी का हिस्सा है 1/3 नया पार्ट का नया हिस्सा। अब ऐसी परिस्थिति किस टाइप का रिलेट करेगा आपसे पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर 8 marks का बोर्ड एग्जाम में आएगा जिसमें 6 marks का तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप न्यूमेरिकल आता है और उसके अलावा 2 marks के शॉर्ट टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे भी ये रेशो का न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो ए बी का अनुपात है 3 तो सी का हिस्सा है 1/3। हमने सबसे पहले बैलेंस कैलकुलेट किया, बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले आपसे इस बात की थी कि कुल हिस्सा ए के बराबर है, इसलिए में से आपने सी को अभी भी 1/3 दिया है तो शेष 2/3 इसके लिए बचा है, पुराने वाले साधन के लिए बचा है जिसे वो दोनों अपने पुराने अनुपात इन अनुपात दो में बिना किसी सूचना के अभाव में 3/2 में क्या करेंगे बांटेंगे। तो बांटने के लिए हमने देखा कि 2/3 का 3/5 किसको मिलेगा ए को, उसी 2/3 का 2/5 किसको मिलेगा बी को, और उसी एक सॉरी सी का गिवन है कितना 1/3। तो इन सभी के हर बराबर करने के लिए हमने 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1/5 = 15 कैंसिल हुए, 6, 4, 5 का बन गया साधन का नया अनुपात बन गया। ये था हमारा रेशियो का एक फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट।